केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुना है। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। संविधान पीठ ने फैसला 4-1 के बहुमत से सुना है। पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल थे और इनमें से जस्टिस बी वी नागरत्ना ने बाकी चार जजों की राय से अलग फैसला लिखा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, ऐसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।